एनीवेज मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। बॉयफ्रेंड के बेड पर सोई थी महिला, चादर पर नजर पड़ी तो उड़े शख्स के होश, मांगने लग गया गर्लफ्रेंड से ही पैसे। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ न कुछ खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। आज एक खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेके। एक बॉयफ्रेंड ने अपने रिलेशनशिप के बारे में और गर्लफ्रेंड से पैसे मांगने के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बाद लोग जो है तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग बताइए कि लोग जिस तरीके से अभी फटकार लगा रहे हैं बॉयफ्रेंड को, क्या वो सही है या गलत है? और अगर आपको ये कोई बात बताता तो आपके क्या रिएक्शन होते? तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन देते हुए जरूर जाइए पूरी अपडेट जानने के बाद। सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है, इसी दौरान ही कोई भी सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने अंदर की जो बातें रहती है वो लोगों तक पहुंचाता भी है और लोगों से सुझाव भी पूछता है। आज जो है सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लेके, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये चीज बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करता हूं और हम दोनों जो है एक ही घर में रिलेशनशिप में रहते हैं और मुझे साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद है। और उसी दौरान ही हम लोग सो रहे थे और सोते वक्त जो है मेरी नजर चादर के ऊपर पड़ी जहां पर एक खून का धब्बा लगा हुआ था, जिसके बाद जो है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि आखिरकार इसका कारण क्या है। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने ये चीज बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे थे बट मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स जो है वो खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैंने सैनिटरी पैड जो है वो लगाया नहीं था, इसके कारण ये हुआ होगा। जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही सारी चीजें जो है वो सुनाई और उसको यहां तक भी बोल दिया कि मुझे पैसे दे, मैं नई चादर खरीद के लेके आता हूं। जिसके बाद जो है उस महिला ने उसको पैसे तो नहीं दिए पर तभी के तभी उसने वो चादर को जो है वो वॉश करके दोबारा से बिछा दिया। जिसके बाद ये चीज करने के बाद महिला जो है उसके साथ लड़ाई करके अपनी माँ के घर रहने चली गई और उसके बाद बॉयफ्रेंड ने जो है इस पूरी खबर के बारे में सोशल मीडिया के जरिए बताया। उसके बाद लोग जो है तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि अच्छा हुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि इसके चलते हुए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ज्यादा मजाक और कितनी ज्यादा बेइज्जती की है, ये नेचुरल थिंग है और जो हर किसी को होती है, तुमने उसको समझा नहीं। और जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को समझ नहीं सकता इतने टाइम, जब हर मंथ ये सब चीजें होती है, अगर उस वक्त तुम समझ नहीं पाओगे तो और कौन समझेगा। और उसकी काफी ज्यादा भयंकर तुमने बेइज्जती की है, जो भी उस लड़की ने किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ के गई है, वो एकदम सही किया है। उल्टा बॉयफ्रेंड को ही जो है काफी ज्यादा खरी खोटी सुनने के लिए मिली सोशल मीडिया पर ये बातें शेयर करने के बाद। हालांकि अभी इस अपडेट को लेके आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताइए। अगर आप वहां पर होते या कोई भी इंसान आपको ये वाकया बताता अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ, तब आप उनको क्या सुझाव देते, क्या बोलते, जरूर कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।